नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं एक ऐसे मेडिसिन प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है और आयुर्वेद में खूब सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कई बीमारियों को ये दूर करती है। तो अचार वगैरह बनाने में हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो है कलौंजी। तो इस तरह से इसके जो है ये सीड होते हैं ब्लैक कलर के, बिल्कुल जैसे प्याज के सीड होते हैं, और कई जगहों में प्याज को भी इसलिए कलौंजी भी कहा जाता है। बट ये प्याज जो है कलौंजी की तरह सीड तो दिखते हैं, पर ये कलौंजी ये होती है, ये इस तरह के जो मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने एक गार्डन पे वीडियो बनाया था, तो ये मैंने एक अलग पोट में भी इसे ग्रो कर रखा हुआ था, तो उसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। तो अब तो फूल इसके ख़त्म हो गए हैं और ये सीड पोड ऐसे तैयार हो गए हैं। तो कुछ एक प्लांट्स मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये ट्रांसप्लांट भी किए थे अलग बैग में। हालांकि मैंने इसमें गेंदा लगा रखा हुआ है, तो इसके साथ मुझे नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि इसकी पानी की ज़रूरत तो थोड़ी अलग तरह से है और गेंदे की अलग तरह से है। तो इसलिए अगर दोनों की एक जैसी ज़रूरत हो तो प्लांट्स अच्छे से चलते हैं, अगर अलग अलग ज़रूरत हो, कम टाइम की या ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो, तो फिर एक प्लांट जो मरना फिर तय है कि वो ठीक से नहीं चल पाएगा। तो जैसे कि गेंदा आप देख रहे हैं, गेंदे को हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, बट कलौंजी को जो पानी की ज़रूरत होती है वो उसे सर्दियों में तो मैं एक दो दिन के बाद भी दे देती थी। और ये हालांकि मैंने पॉली बैग में लगा रखा हुआ है तो मॉइस्चर बना रहता है लंबे टाइम तक। और आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो गेंदा के जो पौधे हैं थोड़े मुरझाने जैसे फिर लगते हैं, तो दो टाइम मुझे पानी देना पड़ता है, तो जो कि कलौंजी को इतना पानी पसंद नहीं आता है। तो किसान लोग तो इसे बड़े बड़े खेतों में ग्रो करते हैं, अगर खेत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। और मैंने तो छोटे से डिब्बे में जो ग्रो कर रखा हुआ था, तो मैं कई बार सोच रही थी इस पे वीडियो बनाऊं। तो इसकी जो पत्ती हैं ये सौंफ की तरह होता पौधा, ये दिख रहे हैं, ये सौंफ जैसी पत्ती है, इस तरह से ये इसकी पत्तियाँ होती हैं। और सौंफ की तो जो हाइट होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, 3-3.5 फुट या इससे भी थोड़ी लंबी हो जाती है, पर इसके प्लांट की जो छोटी हाइट है, थोड़ी हाइट है इसके प्लांट की। तो ये जो कलौंजी है ये सर्दियों में लगने वाली फसल है, इसे सितंबर मिड से अक्टूबर तक लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। जब शुरू में इसके बढ़ने की स्टेज होती है तो इसे ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसे फिर ड्राई और गर्म मौसम की ज़रूरत होती है, जिस तरह की आजकल मेरे यहाँ हो रहा है। और मिट्टी से कैसे चाहिए, मिट्टी जो है ये सैंडिलोमी सॉइल में अच्छे से चलता है। सैंडिलोमी सॉइल जो बालू जिसमें मिला होता है, बालुई दोमट मिट्टी होती है, उसमें ठीक से चलता है। और एक हिस्सा उस मिट्टी का मिला लें और एक हिस्सा आप ऑर्गेनिक चीज़ों का खाद वगैरह जैसे मैं बताती हूँ वो मिला सकते हैं आप इसमें। और पानी से कैसा देना है, तो पानी जो है इसे खेतों में तो अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा जैसे नहीं दिया जाता है, अलग तरह से दिया जाता है। जब हम पोट में लगाते हैं तो फिर कोई भी जैसे प्लांट्स पोट में लगते हैं तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट फिर जो है अलग तरीके की होती है। तो जैसे मेरे सर्दियों का मौसम था तो फिर मैं एक दो दिन छोड़ के भी दे देती थी, और अब जब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और अभी मैं हर रोज़ पानी इसमें देती हूँ। बट मैंने ये गेंदे के साथ जो ट्रांसप्लांट किए हैं तो गेंदे के पौधे को हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, नहीं तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाता है। और इसे जो है जहाँ तो मैं अलग उसमें चीज़ में इसे मैं ट्रांसप्लांट कर सकती थी, और ट्रांसप्लांट ना भी करें तो इसे डायरेक्टली भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था कि ट्रांसप्लांट किए हुए भी प्लांट्स इसके चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो फिर अगर ट्रांसप्लांट भी करना चाहते हैं, दो जगहों में पौधों के साथ लगाना चाहते हैं, तो ऐसे पौधों के साथ आप लगाएं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, तो वो फिर ठीक रहता है। तो आजकल जो है गेंदे को दो टाइम पानी देना पड़ रहा है और कलौंजी को फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो कलौंजी को आपने पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी आपको थोड़ी सूखी दिखाई दे। तो ये जो फूल आप देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको नज़दीक से, ये फूल की लाइफ भी जो है ये अब ख़त्म ही हो रही है,
इसकी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना के आपको दिखाई दूँ। तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी, ये फूल के ऊपर ही ये सीड पोड बनना स्टार्ट होता है, ये सीड पोड बनना ये स्टार्ट बन के फिर धीरे 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 ये इस शेप में आ जाता है, ये ऐसे इस तरह से ये आ जाता है। और ये ड्राई होने पर जब सूख जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो यहाँ इसके जो दाने भरे होते हैं पूरे, और वो दाने फिर सूखने के बाद इस तरह से ये ब्लैक कलर के ये निकलते हैं ऐसे। तो बहुत सारी जगहों में जो है प्याज के दानों को भी वो प्याज के जो बीज निकलते हैं उनको भी कलौंजी कहा जाता है, बट ये कलौंजी ये होती है, इस तरह के होते हैं वो। तो अचारी मसाले के रूप में इसे खूब इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई तरीक़ों से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का भी हो गया। विंटर में मैं धूप का बताऊं तो विंटर में इसे जो है 6-7 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है, और अभी जैसे गर्मी काफ़ी बढ़ गई है तो आप धूप का टाइम कम कर सकते हैं। तो धूप का टाइम आप 4 घंटे भी कर सकते हैं, उसमें भी ये अच्छे से चलेगा। तो अब ये जब पक जाएंगे तो मेरे सीड ये मेच्योर हो चुके हैं, अब ये ड्राई हो जाएंगे, फिर इसके बीच में कलौंजी हमारे निकलेगी, तो अगली बारी आप फिर इसे ग्रो कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से इसे लगाया जाता है, और अब ये लगाने का टाइम नहीं है, गर्मियों का मौसम आ गया है, नहीं तो मैं आपको ग्रो करके बताती। बस ग्रो वैसे ही करना जैसे मैंने आपको कई सारे सीड ग्रो करना बताया हुआ है, मिट्टी बना के और बस सीड ऊपर डालने हैं और उन्हें मिक्स कर देना है, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट निकलने तक रखना है, और हफ्ते के अंदर ही इसकी जो एक हफ्ता मेरे ख्याल से लगा था, मैंने डेट नोट की हुई है, तो एक हफ्ता लगा था इसको जो जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से आप घर में मिले मसाले से ही अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं और फूल भी पा सकते हैं। ये तो फूल अब जैसे ये पूरी इसकी लाइफ हो गई है, ये मुरझा गया है, ख़त्म होने जा रहा है ये, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा इस पे, और मैं अगली बारी फिर ज़रूर इसे ग्रो करूँगी। ये मसालों में मैंने मीठी सौंफ भी ये ग्रो कर रखी हुई थी, तो अब ये पक गई है, ये बड़े अच्छे पौधे इसके फर्न कितना मैंने दिखाए भी आपको कई सारी वीडियोज़ में, तो ये कच्चे हैं और ये पूरे पक गए हैं। तो ये देखा मिट्टी सौंफ, ये इस तरह से ये मिट्टी सौंफ, तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी बड़े आराम से जो है ग्रो हो जाती है, और इसका जो पत्ती होती हैं साग के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पालक वगैरह और भी सरसों वगैरह या दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके उन्हें बनाया जाता है। तो इस तरह से इसके ये कच्चे दाने जब ऐसे होते हैं और ये जब मैच्योर होने के बाद, तो आपको पता ही है कि किस तरह से होते हैं ये मिठी सौंफ, इस तरह से। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे यहाँ गर्मी खूब बढ़ गई है पौधों का और फूलों का इस टाइम, ये देखिए किस तरह से हाल, गर्मी खाई है बिल्कुल कैसे हो गए हैं। तो अब मैं इनको पानी दूंगी तो थोड़े से फिर अच्छे दिखेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया।